अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल फूड तड़का बाहिरा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज जो रेसिपी मेरे किचन में आप सबको सीखने को मिल रही है वो है चिकन स्पेगेटी। मेरी फेवरेट डिश है ये, तो देखते हैं कि मैं किस तरह बनाती हूँ इसको। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो थम्स अप दे दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए, बनाएं जरूर और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 900 ग्राम्स रेगुलर स्पेगेटी को लेके बॉईल कर लिया है। जब पानी में बहुत स्ट्रांग सा बॉईल आ गया था उस वक्त मैंने इसमें 1 पिंच ऑफ रेगुलर सॉल्ट और 1 टीस्पून नॉर्मल कुकिंग ऑयल डालकर स्ट्रेट स्टिक्स को मैंने अंदर डाल दिया था। और साथ ही मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी ऐड कर दी थी, अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम्स और 1/2 kg यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस ली और इसको इस तरह से स्मॉल पीसेस में काट लिया। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज की येलो बेल पेपर लेके उसे इस तरह से जूलियंस में काट लिया है। थोड़ी सी मैंने बंद गोभी लेके उसको भी इस तरह से काट लिया है जूलियंस में। ऑरेंज बेल पेपर ली एक अदद मीडियम साइज की, उसको भी जूलियन में काट लिया है। 2 अदद बड़ी हरी मिर्चें लेके उनको इस तरह से काट लिया। और 2 अदद यहाँ पे मैंने चिकन क्यूब्स लिए हैं। 1 कप के करीब यहाँ पे मैंने कैरेट यूज की है, ये बेबी स्पिनिश लीव्स यूज किए, मैंने इनको भी चॉप कर लिया था। और ये 1 कप के करीब मेरे पास मशरूम्स हैं। आप अपनी पसंद की कोई सी भी सब्जी ऐड कर सकते हैं और कोई खास मिकदार नहीं है, जो आपके टेस्ट के मुताबिक डिपेंड। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया है, आप कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून मैंने क्रश्ड ब्लैक पेपर लिए, 2.5 टेबलस्पून चाइनीज सॉल्ट है और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट लिया। और यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। 3 to 4 टेबलस्पून हम डार्क सोया सॉस यूज करेंगे और 2 to 3 टेबलस्पून हम व्हाइट विनेगर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने ये जो आपको ये सारे स्पाइसेस बताए हैं जिसमें कि पिसी हुई चीनी, रेगुलर सॉल्ट, चाइनीज सॉल्ट और ब्लैक पेपर जो मैंने आपको बताई, ये हम जब स्पेगेटी ऐड करेंगे अपने तमाम सब्जियों के अंदर उस वक्त के ये स्पाइसेस हैं। तो चिकन की मैरिनेशन के लिए यहाँ सबसे पहले जो मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया है मैं वो ऐड कर दूंगी। उसके अलावा इसके अंदर मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी। देखिए ये 1 टीस्पून में मैंने बस इतना सा सॉल्ट लिया, आप इसको 2 से 3 चुटकी कह लीजिए अगर भर कर ले लें तो। ये ऐड कर देंगे हम इसमें सॉल्ट, साथ ही अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब अपना डार्क सोया सॉस ऐड कर दूंगी और इस तमाम मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और उसके बाद मैंने एक अलग कढ़ाई लेके उसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला और उसको गर्म करके तो अपनी चिकन को मैंने उसके अंदर डाल दिया। अब 8 to 9 मिनट के लिए हम बहुत हाई फ्लेम पर इसको कुक कर लेंगे, उससे क्रिस्पी भी बनेगी और प्रॉपरली कुक भी हो जाएगी। इसको मुस्तकिल 8 to 9 मिनट के लिए हमने हाई फ्लेम पर कुक करना है। 8 से 9 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको कुक करते हुए, देखिए कितनी ज़बरदस्त लुकिंग है इसकी, कुक भी हो चुका है और क्रिस्पी भी बहुत है। अब मज़ीद ऑयल ऐड करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, आप मुस्तकिल थोड़ी थोड़ी देर में अपना स्पैचुला इसमें चलाते रहिएगा ताकि चिकन जो है वो नीचे से लगे नहीं। अब सबसे पहले हम अपनी इसमें कैरेट ऐड कर लेंगे। कैरेट ऐड करने के बाद मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट पहले फ्राई किया और फिर 1 से 1.5 मिनट बाद मैंने जो 2 चिकन क्यूब की थी वो ऐड कर दूँगा। साथ ही मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि जो हमारी क्यूब्स हमने डाली हैं वो नीचे लगेंगे। इसको मज़ीद अब आधा 1 मिनट हम इसी तरीके से कुक करेंगे। आधा 1 मिनट मज़ीद गाजर और चिकन को कुक करते हुए हो चुके हैं तो अब इस स्टेज पर मैं जो है अपनी सारी सब्जियाँ ऐड कर दूँगी। ऑरेंज बेल पेपर, कैबेज, येलो बेल पेपर एंड ग्रीन चिलीज, साथ ही बेबी स्पिनिच लीव्स एंड मशरूम। और इसे हाई फ्लेम पर ही हम तमाम सब्जियों को थोड़ा सा सॉटे करेंगे। ओवर कुक नहीं करना, इनका क्रिस्पीनेस ख़त्म नहीं होना चाहिए। कितना कलरफुल लग रहा है ये माशाल्लाह से और इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आएगा। मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा इसको। इसे 1 से 2 मिनट हम इन तमाम सब्जियों को सॉटे करेंगे। इन बिटवीन अगर आपको महसूस हो कि आपका ये जितना भी मसाला ये नीचे लग रहा है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं इन तमाम सब्जियों को सॉटे करते हुए हाई फ्लेम पर ही। देखिए इसका जो कच्चापन है बस वो ख़त्म करना है, ओवर कुक नहीं करना, हल्की बहुत जो है इसमें क्रिस्पीनेस हमें चाहिए। अगर आपको बिल्कुल क्रिस्पीनेस अच्छी नहीं लगती स्पेगेटीज़ में तो आप इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कीजिए
और लो फ्लेम पर लिड कवर करके अपनी सब्जियों को कुक कर लीजिए। तो अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर जो चाइनीज सॉल्ट लिया था 2.5 टेबल स्पून वो ऐड कर दूंगी, पिसी हुई चीनी, क्रश्ड ब्लैक पेपर और जो रेगुलर सॉल्ट लिया था वो ऐड कर देंगे। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर ऐड कर देंगे, 3 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस की ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को हाई फ्लेम पर ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं इसे हाई फ्लेम पर सॉटे करते हुए। अब इस स्टेज पे आपको अपने स्पाइसेस चेक कर लेने हैं और अगर आपको कोई चीज़ कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर लीजिए। मैंने कर लिया, मेरे हिसाब से हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस स्टेज पर हम अपनी स्पेगेटी ऐड कर देंगे। स्पेगेटी ऐड कर दिया, अब इस स्टेज पर हमें बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अगर आपके पास ये वाला स्पैचुला ना हो तो इट्स ओके, घर में जिन लकड़ी के जो चम्मच होते हैं जिनसे हम हंडिया बनाते हैं आप 2 वो वाले चम्मच से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। और अगर वो भी ना हो तो 2 अदद फोर्क ले लीजिए कांटे और उससे इसको मिक्स कर लीजिए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक करेंगे हाई फ्लेम पर ही। और फिर मैं इसको डिसॉल्व करके दिखाती हूँ व्यूअर्स। तो ये देखिए, ये है फाइनल लुक हमारे चिकन स्पेगेटी का, बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही कलरफुल है और खुशबू भी बेहतरीन है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की चिकन स्पेगेटी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल फूड तड़का बाहेरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगर मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।